मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं कोर्ट में हाजिरी माफी का जो फॉर्मेट है, कैसे भर के आपको जमा कराना है। अगर किसी भी अधिवक्ता का अगर कोई फरियादी अभियुक्त या फरियादी नहीं पहुंच पाया है या प्रार्थी, तो उसके लिए जो अधिवक्ता हाजिरी माफी का जो फॉर्मेट यूज़ करते हैं उसको कैसे फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले संबंधित कोर्ट का जो है वो पूरा नाम भरना है आपको यहाँ पे, संबंधित कोर्ट और किस जगह पे है। फिर आपको यहाँ पे भरना है बनाम वगैरह कि आप प्रार्थी हो या अभियुक्त हो, तो जो अनुमान होता है वो यहाँ पे भरना है। जैसे आप प्रार्थी हो तो प्रार्थी और यहाँ पे अभियुक्त, आपने किसके खिलाफ केस कर रखा है वो आपको भरना है। तो आपका नाम यहाँ पे, अर्थात जिसकी हाजिरी माफी लगानी है उसका नाम यहाँ पे अनुमान के साथ, नाम डिटेल आगे बताएंगे लेकिन यहाँ पे केवल मुकदमे का अनुमान। फिर यहाँ पे आपको वाद की संख्या भरनी है, फिर FIR अगर है तो FIR से संबंधित, और अंतर्गत धारा कौन कौन सी धाराओं में, और पुलिस थाना कौन सा है, और ये जो आवेदन लगता है प्रार्थना पत्र बाबत हाजिरी माफी सेक्शन 205 CRPC 1973 के तहत। 317 का आवेदन भी लगता है, दोनों में अंतर होता है। ये जो हम बता रहे हैं CRPC 205 वाला हाजिरी माफी, पढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। और यहाँ पे आपको थोड़ी डिटेल पढ़नी है और किस कारण से है जो है आपका क्लाइंट नहीं पहुँच पाया है कोर्ट में, तो उसका कुछ चार लाइन है। ये है कि उक्त अनुनी प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त की तारीख पैसी नहीं थी, अर्थात कि आज की तारीख है कोर्ट में आने की लेकिन बंदा नहीं आ पाया है। ये है कि उक्त अनुमानी प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त बीमार होने के कोई भी कारण आप जो उचित कारण हो वो आपको यहाँ पे दिखाना है। और प्रार्थी अभियुक्त की हाजिरी माफी कारणवश है, ना कि कोई मतलब जानबूझ के कोई नाटक तो नहीं कर रहा है, वास्तव में कारण है इस वजह से नहीं आ पाया है, तो निवेदन कर देना है। यहाँ पे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी अभियुक्त की हाजिरी माफी स्वीकार करने की कृपा करें एवं वकालतन पैरवी करने के आदेश प्रदान करने की कृपा कराएं। और यहाँ पे आपको डेट पढ़नी है, और प्रार्थी है तो प्रार्थी का नाम, अभियुक्त है तो अभियुक्त का नाम, और भी कुछ और किस कारण से है वो कारण आप यहाँ पे भर सकते हो। और जो संबंधित अधिवक्ता है या कोई अन्य व्यक्ति जो कोर्ट माननीय कोर्ट अधिकृत करें उसको कि अन्य व्यक्ति की हाजिरी माफी वो आदमी ला सकता है, उसके साइन और मोबाइल नंबर आपको फीडअप करके माननीय कोर्ट में निर्धारित समय के कोर्ट टाइम के अंदर आपको जमा करानी है, जिससे उसको उस दिन के लिए हाजिरी माफी मिल सके। थैंक यू दोस्तों, बने रहे हमारे साथ, और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार में कमेंट बॉक्स में मिलता रहें।